वेलकम टू टुडेज जाम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना, बात कर रहे हैं जॉली एलएलबी की। जॉली एलएलबी एक ऐसी फिल्म थी जिसने हंसाने के साथ साथ समाज को बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी दिया, जिसमें पहले पार्ट में आपने अरशद को देखा था और जो कहानी थी वो बहुत बेहतरीन थी। यही नहीं, आपको बता दें कि जब पहला पार्ट इतना ज़्यादा हिट हुआ तो जॉली एलएलबी 2 के सेकंड पार्ट को लाया गया। जॉली एलएलबी 2 के सेकंड पार्ट में आपने अक्षय कुमार को देखा और हुमा कुरैशी को देखा। इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म में जान लगा दी और ख़ासकर अक्षय कुमार की जो एक्टिंग थी वो बहुत बेहतरीन थी। अगर बात जॉली एलएलबी की जा रही है तो उसमें मौजूद और किरदार को नहीं भुलाया जा सकता। चाहे आप विलन्स की बात करें या सपोर्टिंग एक्टर्स की, हर कोई ने इतनी गजब की एक्टिंग की कि ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट रही। इसी खासियत को देखते हुए एक बार फिर से इस फिल्म को बनाने की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। और आपको बता दें, इस बार जो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं, जो कास्ट सामने आ रहे हैं, वो हैं अजय देवगन। खबर है कि अजय देवगन जो है और जॉली एलएलबी 3 में आपको नज़र आ सकते हैं और इस बार इनके साथ करीना कपूर खान नज़र आ सकती हैं। यही नहीं, बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके आसिम रियाज इस फिल्म में नज़र आ सकते हैं। वहीं निगेटिव कैरेक्टर में आप आशीष विद्यार्थी को देख सकते हैं। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके बताएं। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।